हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का है तीसरा दिन, यानी कि शुक्रवार। तो आज सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ अप्पे। तो थोड़ी सी मटर रखी हुई थी हरी वाली, तो मैंने सोचा आज हरी मटर के ही अप्पे बनाती हूँ। तो मैंने रवा को पहले भिगो के रख दिया था, तो रवा अच्छे से फूल गई है। और उसके बाद मैंने ये हरी मटर और मिर्ची इन दोनों को पीस लिया है, और पीसने के बाद मैं इसी रवा में ये हरी मटर और मिर्ची का पेस्ट मिला दूंगी, और उसके बाद मैं कुछ इसमें मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और मटर का पेस्ट इसमें मिला दिया है रवा में, और रवा को मैंने थोड़ा सा दही और पानी के साथ भिगो दिया था, तो वो अच्छे से फूल गई है। और मैं अभी नहा धो के पूजा पाठ से पूरा फ्री होके किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है। तो उसी की वजह से पहले सवेरे नाश्ता बना दो इन लोगों को, क्योंकि मेरा तो फास्ट है पूरे 9 दिन का, बट इन लोगों के लिए नाश्ता चाहिए होगा हस्बैंड और बेटी के लिए। तो यहाँ पर मैं अप्पे बनाने जा रही हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। उसके बाद मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की वजह से मैंने इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और ये एक टमाटर मैंने कट करके छोटा छोटा सा बिल्कुल कट किया है महीन, और वो डाल दिया है। तो ये टमाटर मैं काट के इसी में डाल दूंगी, और मसाले मैंने डाल ही दिए हैं। आज मैं मटर के, जैसे बताया कि मटर के अप्पे बना रही हूँ, तो इसमें मटर मैंने पीस के मिक्स की है। तो यहाँ पर टमाटर कट करने के बाद मैंने सब मसालों को और उस मटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, टमाटर को भी। और थोड़ा सा थिक लग रहा था ये पेस्ट, तो मैंने थोड़ा इसमें पानी और ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब मैंने अप्पे पैन चढ़ा दिया है, और चढ़ाने के बाद मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। तो ये बहुत कम तेल में बनेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़रा सा, आधी चम्मच से भी कम मैंने ऑयल लिया था ब्रश में, और उसी से मैंने पूरे में लगा दिया है। और ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़े से इसमें जीरा डाल दिया है। उसके बाद में अब मैंने जो मेरा बैटर तैयार हो गया था उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है, आधी चम्मच से भी कम, छोटी वाली आधी चम्मच से कम। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद उसमें मैंने एक चम्मच पानी डाला है, और इसके बाद अच्छे से मिक्स करके अब मैं अप्पे पैन में ये सारे अप्पे डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए रख दूंगी, और गैस एकदम स्लो है। तो 1.5 मिनट के बाद देखिए मैंने ये खोला है, तो ये एक साइड से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो मैंने इनको ऐसे ही पलटा दिया है। आप चाहें तो अगर इसमें एक बार और ऊपर से तेल लगा के और उसके बाद में इसको पलटा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको कम तेल में ही बनाया है, तो इसलिए मैंने कोई भी तेल ऊपर से नहीं लगाया है, और इनको ऐसे ही पलटा दिया है। और ये पलटाने के बाद फिर मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी, और ये अच्छे से एकदम पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे अप्पे बनके तैयार हो गए हैं, और मेरा थोड़ा बैटर और बच गया था, तो मैंने सेकंड बैच भी इसी तरीके से यहाँ पे डाल दिया है अप्पे मेकर में। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे अप्पे बनके तैयार हो गए हैं। तो आइए आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए अप्पे में और चाय। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे बने हैं। तो चाय नाश्ता करने के बाद में ये है मेरा माता रानी के मंदिर का वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग गए थे दर्शन करने, तो यहाँ पर ये मंदिर में ये मौसी जी ने हमारी मंदिर बनवाया है, तो वहीं पर हम गए थे दर्शन करने। तो ये उनके घर के बाहर ही बना हुआ है, तो ये गौरा जी हैं। तो जो भी मैं सामान चढ़ाने के लिए ले गई थी वो मैं यहाँ पर चढ़ा के और यहाँ पे सुहाग लूँगी।
वगैरह करने के बाद में एक मंदिर यहाँ पे और है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। तो मौसी ने बोला था कि यहाँ पे आके दर्शन कर जाओ, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वो शक्ति माता का मंदिर है, तो वहाँ पे मौसी के परिवार की एक बेटी थी जो सती हो गई थी, तो उन्हीं की वहाँ पे समाधि बनी हुई है। वो जहाँ पे सती हुई थी वहीं पे उनकी समाधि बनी हुई है और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मैं सती प्रथा तो समाप्त हो गई थी लेकिन वो अपने मन से सती हो गई थी, तो वहाँ पे उनका मंदिर बनवा दिया गया था जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये देखिए, ये है सती माता का मंदिर, ये नीचे जो बनी हुई है ये उनकी समाधि है और उसी के ऊपर यहाँ पर एक मूर्ति रख दी गई है, स्थापित कर दी गई है। तो ये सती माता का ही रूप माना जाता है। तो यहाँ पर सब लोग पूजा वगैरह करने आते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी घंटी वगैरह सब बंधी हुई हैं, तो सब लोग आते हैं, पूजा करते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं, अगर पूरी हो जाती तो घंटी वगैरह अपना जो भी है चढ़ाते हैं। तो मैं भी माता रानी के लिए लहंगा चुनरी और जो भी सुहाग का सामान था वो सब लेके गई थी और वहाँ पे सब चढ़ाया था। तो मुझे अच्छा लगा था सती माता के मंदिर, तो मैं हर बार जाती हूँ वैसे तो, क्योंकि मौसी ने जो अपने मंदिर की स्थापना करवाई थी वो बसंत पंचमी वाले दिन करवाई थी, तो वहाँ पे तो वो हर साल बसंत पंचमी के दिन ही वहाँ पे मंदिर में अखंड रामायण वगैरह करवाती हैं और भंडारा का आयोजन होता है, तो हम सब लोग जाते हैं। तो आप भी कर लीजिए सती माता के मंदिर के दर्शन। ये है सती माता की पूरी समाधि और ये उनकी मूर्ति। तो आज का फ्रेंड वीडियो मेरा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।